सो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको गूगल के कुछ ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूं जो शायद आपको नहीं पता होगा और आप जानते भी नहीं होंगे और जानने की कोशिश भी नहीं किए होंगे कि ऐसा क्या होता है इसमें। बस आप जैसे यहां से गूगल को ओपन किए और ओपन कर लेते हैं यहां से, और ओपन करने के बाद यहां से कोई भी न्यूज़ को आप पढ़ लेते हैं, लेकिन उसमें और क्या क्या होता है ये सब आप कभी जानने की कोशिश नहीं किए। तो चलिए हम आपको पूरे डिटेल से बताते हैं, सब कुछ आपको इजीली से समझ में आ जाएगा। जैसे आपने यहां से कोई भी न्यूज़ को ले लिया और आपने पढ़ लिया, तो यहाँ पर ये न्यूज़ है, तो इस न्यूज़ को आप यहाँ से आप लाइक कर सकते हो और यहाँ से इस बटन से आप इसे न्यूज़ को आप शेयर कर सकते हो। जैसे आपने ये न्यूज़ को पढ़ लिया, जैसे यहाँ से इस न्यूज़ को ओपन किया और ओपन करने के बाद अगर आपको अच्छा लगा तो आप यहाँ से इसे लाइक कर सकते हो। मैं सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा, बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए, आप यहाँ से इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो और इस बटन से आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड को और किसी को भी। और इस बटन पर जो कोने पर आप जो डबल लाइन दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करके और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ढेर सारा ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो इसमें सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है, देखिए नॉट इंटरेस्टेड इन दिस कंटेंट। अगर आपको इस कंटेंट में इंटरेस्ट नहीं है तो आप यहाँ से इसे क्लिक करके आप इसे टच करेंगे तो ऐसा न्यूज़ आपके मोबाइल में शो नहीं करेगा। उसके बाद है नॉट इंटरेस्टेड इन जियोमी। तो अगर आपको ये जियोमी का फ़ोन, अगर आपको जियोमी के फ़ोन से रिलेटेड आपको कोई भी न्यूज़ नहीं चाहिए तो आप इसे यहाँ से क्लिक कर देंगे तो आपको इस जियोमी के फ़ोन से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आपके मोबाइल में नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पर सबसे नीचे का ऑप्शन जो देखिए तीसरा नंबर में है, यहाँ पर लिखा हुआ है डाउन शो कंटेंट फ्रॉम, जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे gsmarena.com। तो आप यहाँ से जब इसे क्लिक कर देंगे तो ऐसा कंटेंट आपके मोबाइल में शो ही नहीं होगा। और इसके बाद यहाँ पे है मैनेज चैनल्स एंड इंटरेस्ट। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप इस पर यहाँ से इसे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इंटरेस्ट है तो आप यहाँ से एरो पे क्लिक करेंगे, और इंटरेस्ट नहीं है तो आप यहाँ से नॉट पे कर देंगे। तो आपको जैसा ठीक लगता है आप वैसा कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे यहाँ से बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद फिर से मैं इसे यहाँ से क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है रिपोर्ट कंटेंट का। तो अगर आपको ये इसमें आपको कुछ गड़बड़ी लगता है, कुछ प्रॉब्लम लगता है, कुछ दिक्कत हुआ इससे, तो आप इस पर रिपोर्ट कर सकते हैं। और ये इसमें अगर आपको कुछ फीडबैक देना है तो आप यहाँ से इसे फीडबैक भी दे सकते हैं। तो चलिए हम इसे यहाँ से बैक कर लेते हैं और आगे बताते हैं। चलिए मैं अब इस न्यूज़ को ओपन कर लेता हूँ। इस न्यूज़ को मैंने यहाँ से ओपन कर लिया है। अब ये इंग्लिश में न्यूज़ है, हो सकता है आपको यही न्यूज़ पढ़ना है पर आपको ये इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पूरे डिटेल्स में बताता हूँ। ये ऊपर वाला जो ये बटन दिख रहा है शेयर का, यहाँ से शेयर कर सकते हैं। यहाँ से आप इस न्यूज़ को आप बुक कर सकते हैं। बुक करने से क्या होगा, आप इस न्यूज़ को, कोई भी न्यूज़ अगर आपको पसंद आ गया और आप यहां से बुक कर देंगे तो ये आपके मोबाइल में ऐड हो जाएगा और आप इसको बाद में भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं ये कहां पे ऐड होता है। देखिए यहां पे थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे। थ्री लाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है व्यू कलेक्शन का। तो व्यू कलेक्शन को जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये न्यूज़ ऐड हो गया और हम इसको बाद में भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए अभी हम इसे फ़िलहाल बैक कर लेते हैं और इसे दोबारा से ओपन कर लेते हैं। और ओपन करने के बाद ये न्यूज़ अभी ओपन है, तो देखिए यहाँ पे थ्री लाइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे और भी ढेर सारा ऑप्शन खुल जाएगा। आप चाहे तो इस लिंक को, इस न्यूज़ के लिंक को कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद व्यू कलेक्शन तो आपको बता ही दिया। उसके बाद यहाँ रिसेंट का ऑप्शन है, आप इसे रिसेंट कर सकते हैं, मतलब रिसेंट पे जैसे ही टच करेंगे इसे आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। देखिए टच करने से ऐसा ऑप्शन आएगा, ये रिसेंट हो जाएगा। तो फिलहाल चलिए हम इसे यहाँ से कट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से थ्री बटन पर फिर से क्लिक करते हैं। फाइंड इन पेज लिखा हुआ है, इस पर आप फाइंड इन पेज पर क्लिक करके कोई भी इसमें जो वर्ड है आप उसको सर्च कर सकते हैं। ऐड टू होम स्क्रीन लिखा हुआ है, ये क्या होता है चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ से ऐड टू होम स्क्रीन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से चलिए मैं इसे ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने से क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। इससे रिलेटेड जितना भी न्यूज़ है मेरे होम पे आएगा। तो चलिए मैं इसे होम स्क्रीन पर क्लिक करता हूँ और चलिए इसे हम यहाँ से आपको दिखाते हैं। देखिए GSM Arena के नाम से यहाँ पर एक आइकॉन आ गया है और हम डायरेक्ट यहीं से टच करके उससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ देख लेंगे, हमको गूगल में नहीं जाना पड़ेगा।
तो चलिए फिर से हम आपको यहीं से दिखाते हैं। उसके बाद यहाँ से थ्री डॉट पे फिर से क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इसे डेस्कटॉप साइड में भी चला सकते हैं। जैसे यहाँ से क्लिक करेंगे ये डेस्कटॉप साइड में दिखेगा आपको, मतलब जैसे कंप्यूटर में दिखता है। तो चलिए मैं इसे यहाँ से डेस्कटॉप साइड को अनेबल कर देता हूँ। इसके बाद फिर से थ्री डॉट पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, ये जो न्यूज़ है ये इंग्लिश में है और मैं इसे नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं इसे हिंदी में भी पढ़ सकता हूँ। इसके लिए यहाँ पर ट्रांसलेट का ऑप्शन है, मैं इसे यहाँ ट्रांसलेट पर क्लिक करूँगा तो देखिए ये जो न्यूज़ इंग्लिश में था ये हिंदी में आ गया और आप सब कुछ ईजिली से पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए और भी मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ। इसके बाद यहाँ से क्लिक करके आप चाहे तो इसे क्रोम ब्राउज़र में ओपन कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे क्रोम ब्राउज़र में ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए अब ये क्रोम ब्राउज़र में ओपन हो गया है और इससे और क्या क्या कर सकते हैं, फिर यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे तो पूरा आपको क्रोम ब्राउज़र का पूरा डिटेल्स दिखाएगा। तो अगर मैं सब कुछ डिटेल्स में भी बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, सो प्लीज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स में और भी सब कवर करूंगा। तो इस वीडियो में यहीं तक बता रहा हूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।